कहा जाता है कि तुला राशि जो होती है काफी बैलेंस राशि होती है और शनि देव का साइन रिप्रेजेंट करती है, तो शनि का प्रभाव जो है वो तुला राशि पे भी यहाँ पड़ने वाला है। वहीं आपके लिए अगर कार्ड देखूं तो भाई आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ रहा है, यानी ये आप यकीन मान लीजिए कि 2023 तक आप जिस प्रकार के व्यक्ति थे, 2024 आपको काफी संजीदा और काफी सीरियस पर्सन बनाने वाला है, लेकिन अच्छे वे में। पर्सनल लाइफ में जो आपका समय आ रहा है तुला राशि वालों, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि काफ़ी बैलेंस रहने की ज़रूरत है आपको इस पूरे साल, तो आपके लिए जो समय है वो काफ़ी बैलेंस यहाँ पे आ रहा है। आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको पूरे साल क्या करना है वो सिंपल ये चीज़ करनी है कि पूरे साल आपको लोगों को नियमित रूप से जल का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे दिखेंगे। तुला राशि वालों, साल की शुरुआत तो बड़ी ज़बरदस्त होती हुई नज़र आ रही है, भाग्य का साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, साथ ही शनि महाराज जो आपके योग कारक ग्रह हैं आप ही के पंचम राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वहीं विराजमान रहने वाले हैं। तुला राशि वालों के लिए शुभ दिन रहेगा शुक्रवार का दिन और इनके लिए शुभ रंग रहेगा शेड्स ऑफ लाइट पिंक या फिर शेड्स ऑफ सिल्वर और ऑफ व्हाइट कलर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ABP News आपको रखे आगे।